तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ वो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और उन पर कमेंट करके मुझे बता दिया करें कि कोई भी गलती अगर होती है तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँ। और जो नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड में, इस वाला जो एम्पलीफायर था, इस वाले में एम्पलीफायर में मैंने क्या कुछ मॉडिफिकेशन करे हैं, क्या कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करे हैं, तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वाले एम्पलीफायर में बता दूंगा। तो दोस्तों, आपने इस वाले एम्पलीफायर की साउंड टेस्टिंग ऑलरेडी 15 इंची के टॉप पर सुन रखी है। तो बाकी दोस्तों, मैं आज आपको इसमें बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या कुछ थोड़ा सा और एडिटिंग करी है, वो मैंने क्या करी है, क्या मॉडिफिकेशन करी है, मैं वो सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जिन भाइयों के पास मेरा ये बोर्ड गया हुआ है, उन भाइयों को मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये 20-0-20 का ट्रांसफार्मर है, जिसमें से मैंने 0 की टेपिंग खाली छोड़ रखी है। 20 और 20 की टेपिंग यूज़ करके मैंने पावर सप्लाई बना रखी है अपनी, जिसमें से प्लस की और ग्राउंड की मुझे सप्लाई मिलती है। इसमें प्लस, माइनस और ग्राउंड नहीं मिलती, इसमें ओनली प्लस की और ग्राउंड की सप्लाई मुझे मिलती है, जो कि नीली और ब्लैक वायर से मेरी, आप यहाँ वाले जो देख रहे हैं, इसमें जा रही है। ये सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, बेल के ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं। और बाकी इस बार मैंने इसमें अपने लिए किल्ट्रॉन के 4750 वाले अपने जो फीडबैक कैपेसिटर होते हैं वो लगा रखे हैं इसमें। तो दोस्तों, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करी थी कि मैंने ये, एक हमारी बास ट्रैवल है, जो कि मैं पहले अपने इसी वाले सेट में, मतलब मेनली तो ज़्यादातर मैं डेक्सा की यूज़ करता हूँ, बट ये जो बास ट्रैवल है दोस्तों, ये भी मैं यूज़ करता हूँ अपने बहुत सारे सेटों में, जो भी मेरे को पर्सनली ऑर्डर। देखो दोस्तों, इस सेट में मैं ये वाली बास ट्रैवल जब यूज़ करता हूँ, जब कोई मेरे से ये कहता है कि भाई मुझे बेस तगड़ा चाहिए और वो पैसे देने में कंजूसी ना करे, तब मैं इस वाली बास ट्रैवल को उसमें यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं इस वाली बास ट्रैवल को यूज़ नहीं करता, मैं अपनी डेक्सा वाली बास ट्रैवल यूज़ करके देता हूँ। कोई मेरे से कहता है कि भाई मुझे बेस ऐसा चाहिए कि मेरे 15 इंची के स्पीकर भी, मतलब बढ़िया तरीके से हिले, तो तब मैं ये वाली बास ट्रैवल उनके लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो बास ट्रैवल आप देख रहे हैं, ये 548 के 2 ट्रांजिस्टरों में मैंने बना के इनको लगा रखा है। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ब्लू और रेड और ब्लैक कलर की जो वायर देख रहे हैं, ये दोस्तों दोनों चैनलों की 6 वायर हैं, मतलब 3 एक चैनल की 3 एक चैनल की। तो ये मैंने अपने सिलेक्टर स्विच पे कनेक्ट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं लाउडनेस वाले स्विच पे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों, इस वाली जो लाउडनेस का जो सिस्टम है वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर दोस्तों आप इसका जो लाउडनेस को बाहर कर देंगे, तो ये है कि आपकी जो बास ट्रैवल वो आपके 2 ट्रांजिस्टरों पे एक्टिव होगी। अगर जैसे आप इसका लाउडनेस का स्विच एक्टिव कर देंगे, एक्टिव करेंगे, तो दोस्तों आपकी जो ये बास ट्रैवल पूरी 4 ट्रांजिस्टरों पे एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक्चुअली हमारा 0 PCB, जो आपने देखे 4 डॉट वाली 0 PCB आती है, ये उसी पे मैंने अपनी खुद बास ट्रैवल बना के तैयार कर रखी है। और दोस्तों, ये बास ट्रैवल का, अगर मैं इस बास ट्रैवल को किसी भी एम्पलीफायर में लगा के देता हूँ, तो ये तो फिलहाल मैंने अभी नॉर्मली इस तरह से लगा रखे, जब भी ये एम्पलीफायर सेल होगा तो मैं दोस्तों इस पर बिल्कुल ब्लैक कलर का पेंट कर देता हूँ बास ट्रैवल का, ताकि हमारे सर्किट की कोई कॉपी ना कर पाए। तभी मैंने आज तक दोस्तों इस वाले बास ट्रैवल का अपना सर्किट नहीं बनवाया है खुद का, वो इसी वजह से नहीं बनवाया कि दोस्तों मार्केट में बहुत जल्दी कॉपी हो जाती है, फिर हर चीज़ की कॉपी होने के बाद जो मेन जिसका सर्किट होता है उस बंदे के पास कुछ नहीं बचता। मतलब आप सभी को पता है कि कुछ तो उस आदमी के पास भी ऐसा होना चाहिए कि वो आने वाले टाइम में अगर किसी भी चीज़ का कंपटीशन हो तो अपनी ऐसी खास चीज़ को वो मार्केट में उतार सके। तो बास ये वाली हो गई और ये ट्रेबल ये वाली होगी। तो दोस्तों, मैं आज आपकी इसकी जो साउंड टेस्टिंग सुनाऊंगा, मैंने बिल्कुल बेस लो कर रखा है, ट्रेबल मैंने हाई कर रखा है इसका। तो दोस्तों, आप बिल्कुल बेस लो पे भी आप इसका बेस ऐसे सुनोगे कि आपको ये लगेगा कि इसमें बिना बेस के भी इतनी तगड़ी बेस आ रही है, वो मैं भी आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं भी आपके सामने पहले यहाँ से वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों, आप बेस पे ध्यान देना कि बेस बिल्कुल डाउन है। बेस अगर मैं इस तरफ इंक्रीज़ करूँगा तो बेस बढ़ेगी, इस तरफ मेरा बिल्कुल डाउन बेस है। तो मैं यहाँ से अपना गाना प्ले कर देता हूँ, ये मैं इस फोन को साइड में रख देता हूँ और मैं यहाँ से वॉल्यूम उठाता हूँ।
ये मैंने दोस्तों लाउडनेस का स्विच अभी ऑफ कर रखा है, ये मतलब अभी आपकी जो बास ट्रेबल है बस खाली दो ट्रांजिस्टर पे एक्टिव है। अब मैं इसको पुश करता हूँ, तो रियलिटी दोस्तों बताऊं कि मैंने ये जो बेस थी वो नॉर्मली यहाँ तक कर रखी थी, अगर मैं इसको इतना करूँगा तो दोस्तों मेरे स्पीकर उड़ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं इस वजह से इस वाली बास ट्रेबल को इसी वजह से ज़्यादा सर्किट में ज़्यादा अपने एम्पलीफायर के, एक्चुअली ये जो बास ट्रेबल है दोस्तों वो इसी की मेन जो बास ट्रेबल है इसी की मैचिंग की है, इसी वजह से मैं इसमें ट्रांजिस्टर वाली बास ट्रेबल लगाने के लिए ज़्यादा बोलता हूँ, आईसी वाली बास ट्रेबल बहुत ही कम बोलता हूँ। पब्लिक मेरे से कहती है कि भाई डबल सप्लाई वाली बास ट्रेबल लगाओ, आप 3 IC वाली बास ट्रेबल लगाओ, मुझे दोस्तों बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ को लगा के जब मैं उस चीज़ का मना करता हूँ तो मुझे पता होती है कि उसमें कैसी क्वालिटी और कैसी क्वालिटी नहीं होगी। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि ये सेट कंप्लीट इसी तरह से आप अगर आप लेना चाहते हो तो दोस्तों ये फ़िलहाल तो सेल में है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ अपने इस वाले सेट को, बिल्कुल नया सेट है तो आपने सारी चीज़ इसकी देख रखी है, जो चीज़ आपको इसके अंदर लग रहा है वही चीज़ आपको इसकी मिलेगी कंप्लीट। तो इसका जो सेल का प्राइस जो होगा वो मैं अपना नंबर जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप कूरियर चाहते हो तो मैं सेट को कूरियर भी कर दूंगा, अगर आप जैसे भी आपको सूटेबल हो आप वैसा कर सकते हो, आप मेरे पास आके भी सेट को ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कूरियर करवाना तो मैं सेट को कूरियर कर दूंगा, ऑल इंडिया कूरियर डिलीवरी अवेलेबल है, बट चार्जेस आपके खुद के रहेंगे। और दोस्तों अगर आप ये वाली बास ट्रेबल लगाते हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप 12 इंची और 10 इंची स्पीकर ना चलाएं इस वाले पे, क्योंकि आप उनकी जो आवाज़ है वो ये बिल्कुल फाड़ के रख देगा, उन स्पीकरों की जो आवाज़ होगी उनको बिल्कुल फाड़ देगा। अगर आप इस पे 15 इंची के स्पीकर लगाते हो, कितने वाट के 15 इंची के स्पीकर लगाओ दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बल्कि मैं तो दोस्तों इसमें मैंने बेस कम करने के लिए रेजिस्टेंस और चेंज कर रखी है, क्योंकि जो इसकी एक्चुअल जो रेजिस्टेंस थी वो मैंने इसमें से निकाल दी, क्योंकि अगर मैं उसको लगाता तो दोस्तों बस खाली इतनी ही बेस मैं इसकी उठा पाता, पूरी यहाँ तक भी नहीं उठा पाता मैं इसकी बेस को, बस यहाँ तक ही चला के मैं इस बेस को आपको सुनाता, बाकी मैंने दोस्तों इसको ऑफ करके आपको इसकी बेस सुनाई कि इसकी अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तब भी इसके अंदर कितना बेस होता है। तो दोस्तों यही मैं आपको बता रहा था कि ये बेसिक ही देखने में आपको बहुत ही भद्दा सर्किट लग रहा है, बट दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं इसके सामने बैठा हुआ हूँ, और ये जो दोस्तों ऑपरेट हो रहा है डायरेक्ट, ये आपकी 50 वोल्ट से ही ऑपरेट हो रहा है, आप इसको 60 वोल्ट तक से भी 60 वोल्ट से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी मैं आपको इसकी वोल्टेज वगैरह मैं सारा कुछ इसका चेक करा दूंगा कि इसकी कितनी वोल्टेज से मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक मैंने अपनी जो रेड वाली ब्लैक वाली जो क्रॉप है वो मैंने सीधी अपनी ग्राउंड में लगा दिया उधर, और रेड वाली मेरे पास ये रही, और मैंने इसको सीधा आपका 200 से 200 AC पे सेट कर दिया। इसकी जो रीडिंग है मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सप्लाई इस वाले बोर्ड में जाएगी, तो मैंने इसको इस वाली पे लगा रखा है, और आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं 55 वोल्ट डायरेक्ट आ रही है इसमें, और 55 वोल्ट से ये डायरेक्ट ऑपरेट हो रही है दोस्तों, और
ये तो मैंने दोस्तों यहाँ पे कम वोल्ट के पावर फिल्टर इसमें यूज़ कर रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे 40 वोल्ट के या 50 वोल्ट के पावर फिल्टर यूज़ करूँ तो डायरेक्ट दोस्तों इसमें आपको 50 वोल्ट नॉर्मली इसके अंदर जाएगी, 40 से 50 वोल्ट इसके अंदर जाएगी। अभी तो दोस्तों मैं आपको अगर इसकी दिखाता हूँ कि इसमें कितनी कितनी रीडिंग यहाँ पे जा रही हैं। 17 वोल्ट यहाँ पे जा रही है दोस्तों, और ये 21 वोल्ट यहाँ पे जा रही है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि अगर मैं इसमें 50 वोल्ट या 40 वोल्ट की पावर फिल्टर लगा देता हूँ तो दोस्तों कम से कम यहाँ पे 30 से 35 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, और इस बास ट्रेवल का जो अंदाज़ा होगा ना, जो आपको सुनने की जो क्वालिटी होगी दोस्तों बहुत ही धांसू होने वाली है। तो ये दोस्तों स्पेशल बास ट्रेवल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं इस बास ट्रेवल को किसी भी बंदे को नहीं दे सकता बना के। तो अगर इस बास ट्रेवल को दोस्तों मैं तभी आपको दूंगा अगर जब आप कंप्लीट सेट अगर आप लेना चाहते हो मेरे से, ये वाले एम्पली इस वाले बोर्ड के साथ, 30-55 वाले बोर्ड के साथ, तभी मैं इस बास ट्रेवल को आपको लगा के दूंगा। अदरवाइज़ मैं इसको खाली बास ट्रेवल को सेल नहीं करता। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। बाकी आपने साउंड टेस्टिंग सुन लिया, आप एक बार अगर आपको अच्छी लगे तो आप बेशक दोबारा सुन लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाकी दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और नई नई वीडियो बनाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें आता रहता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगर इस वाले सेट को आप ख़रीदना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इसका प्राइस ज़्यादा हाई नहीं रखा हुआ है, नॉर्मली प्राइस है ये आपको दोस्तों 3500 से और 4100 के बीच में इसका प्राइस मैंने इसका रखा हुआ है फ़िलहाल, 3500 से 4100 के बीच में, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी के पैसे होते हैं, अदरवाइज़ बिना क्वालिटी के तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। तो यही कुछ था वीडियो में, और बास ट्रेवल में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें मैंने BC के ये हमारे ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ करे हुए हैं 548 के, और बाकी जो इसमें रेजिस्टेंस है वो फ़िलिप्स की और वार्स की रेजिस्टेंस है। और दोस्तों कैपेसिटर इसमें मैंने निशिकॉन के यूज़ कर रखे हैं, ब्लैक वाले जितने भी कैपेसिटर आप देख रखे हैं निशिकॉन के, बाकी ब्लू वाले जितने भी हैं सैनकैप के कैपेसिटर्स हैं, और ये हमारे PF हैं जिनकी वैल्यू हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो ये भले ही आपको देखने में नॉर्मली PF लग रहे हैं, बट दोस्तों इनकी वैल्यू हमें पता है तो हम इनकी वैल्यू को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।